अच्छा अच्छा, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? हशमतुद्दीन। और इस घर में टोटल कितने लोग हैं? इस घर में टोटल 9 लोग रहते हैं। जाओ सबको बुला कर लाओ। जी जी जी, ये लीजिए सर, पिए पानी। सर आपकी सैलरी कितनी है? यहाँ सिर्फ सवाल मैं करूंगा, और तुम कमाते कितना हो? अरे क्या खाक कमाता है, घर का सोना मोदा लेने एक निकलता है ना, हर चक्कर के अंदर 20-25 रुपए दिहाड़ी बचा लेता है। अल्लाह माफ करे, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल रही है इसकी। सर आपकी नजर में कोई जॉब है? मैं आपके बहुत सारे पैसे, बल्कि मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बता सकता हूँ जो आपको टैक्स देंगे, मैं आपके बड़े काम आ सकता हूँ। आपको पता है मैं दूध वाला आपको बताऊंगा, वो बिल नहीं देता, मैं आपको पंचर वाले के पास लेके जाऊंगा, वो बिल नहीं देता, वो टैक्स बचाता है, मैं आपको पान वाले के पास लेके जाऊंगा। ओ भाई तू जा और जाकर सबको बुला कर ला, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा सर, कूल डाउन, मैं आओ जाओ करता हूँ, आओ जाओ करता हूँ। वेल डन मेरे दोस्त, तो वीआईपी इन्वेस्टिगेशन वाला लग रहा है, जबरदस्त। बस इसी तरह ऊपर से आना है, किसी को सवाल करने के मौका ही नहीं देना है। उसके अलावा हशमत है ना, हशमत को तो निर्गोटे से दबा के रखियो, वरना निकल लेगा तुझे। क्यों भाई, हशमत बंदे खाता है क्या? अबे भाई वो पता नहीं क्या क्या खा जाता है, छोड़ दो उसको। हशमत भाई। अरे भाई छोड़ो, एक बात बताओ, ये बताओ अंडे इतने महंगे क्यों हो गए? अरे हो सकता है मुर्गियों को समझ आ गई हो। अबे चल मुर्गियों को क्या पता चलेगा। अरे उस बात को तो छोड़ो, यहाँ तक के बेकरी वाले से अंडे लेने जाओ ना, वो तो इतनी एहतियात से अंडे देता है जैसे अंडे मुर्गी ने नहीं बेकरी वाले ने खुद दिए हो। वैसे अशमत भाई मैं वो ले आया हूँ बंदे को, कोई पहचाने गए नहीं है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। अबे जब पहचाने गए नहीं तो फायदा क्या उसे लाने का? अरे मेरा मतलब है लग रहा है कोई उसको पहचान नहीं सकता कि लोकल है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो पक्का आदमी है ना, कहीं मरवा तो नहीं देगा? मरवाएगा नहीं, लेकिन अशमत भाई मेरा कमीशन थोड़ा साइड पे कर दो। अरे पहले काम तो होने दो, फिर दे देंगे कमीशन, पहले ही मर रहा है। कुछ एडवांस ही दे दो। ना जहर खाने के पैसे नहीं है, ना एडवांस चाहिए। वो तो उससे ले लो। क्या जहर खाने के पैसे? अरे जा रहा हूं अशोक भाई। काफी महंगा आइटम लगता है, और हीरे भी लगे हमें। आप कौन हो भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिसर फयाज। और तुम? मैं? ये मेरा घर है। तुम हशमत के बेटे हो? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस घर में 9 लोग रहते हैं, मैं सबकी तनख्वाहें और अखराजात पूछने आया हूँ। हाँ हाँ, ये तो आप मुझसे पूछे, मुझसे अच्छा कौन बताएगा। मेरा एक बड़ा भाई है फिरोज, उसकी तनख्वाह होगी कोई 1.5 से 2 लाख रुपए। अच्छा, उसकी जो बीवी है ना, उसके अब्बा बैठे अमेरिका में, वो अमेरिका से भेजते हैं बड़े टाइट तोहफे और तवाइफ। अच्छा। मैं और मेरा छोटा भाई है बेरोज, हम लोग कुछ नहीं करते, अब्बा काम करते हैं बिल्कुल कैश में। अब्बा का एक दामाद है सुल्तान, उसका कारोबार भी बड़ा टाइट है, उसके पास तो जमीनें, गाड़ियां, ये बड़े बड़े बंगले। अच्छा, इस घर की टोटल आमदनी कितनी होगी? ये कोई 30 नहीं नहीं, ये कोई होगी 10-12। 10-12 लाख? हाँ बिल्कुल भाई, 10-12 हज़ार तो ये तो मामूली सी बात है, हम बच्चों को ऐसे दे देते हैं। अच्छा, और यार तुम्हारी फैमिली मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर है। यार क्या समझ रहे हो तुम, है हमारी फैमिली को समझ क्या रखा तुमने? अबे भाई ब्रांड से नीचे तो हम लोग पहनते ही नहीं है, ये चश्मा देख रहे हो, ये बड़ दुबई से लाया है, और मेरे अब्बा मोदे जो है ना थाईलैंड के पहनते, और ये टोपी देख रहे हो कहाँ से मंगाई है हमने, साउथ अफ्रीका से, और ये नेकलेस देख लो इसमें जो लगे हुए, ये हमने यूरोप से मंगाए। यूरोप से थोड़ी अच्छी लगेगी। और कुछ? याद नहीं आ रहा भी। घर तो अच्छा बनाया हुआ है। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक कहा था मुजाहिद ने, कहीं से नहीं लग रहा। हाँ क्या देखा अब तक? यूनिक, कम से कम $200 का तो होगा। अबे चल रद्दी पेपर वाले से लिए 50 रुपए की, $200 बताओ सारा। मगर आपका बेटा तो कह रहा था कि आप ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, वो सिर्फ सुल्तान और फिरोज वगैरह, हम तो सादा से लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मिल जाए रोगी सूखी वो खा लेते हैं, जो मिल जाए पहन लेते हैं। और चप्पल तो ये नहीं पहनी हुई है। हाँ तो चप्पल घिस रही होती है, अगर कुर्ते घिस रहे होते तो कुर्ता भी नहीं पहन लेते। और मैंने सुना है कि आप टैक्स से बचने के लिए लेन देन कैश में करते हैं। ये बकवास बात आपसे किसने की? आपके बेटे शहरी ने। शहरी के पेट में कोई बात नहीं रहती, आने दो सारा शहरी को, इसकी कैसी आज है सारा, एक दफा मैं इसको बताता हूँ। बहुत अमीर हैं आप लोग, डबल पैसे लूंगा मैं। अबे चल जितने पैसों की बात हुई थी उतने पैसे मिलेंगे, डबल पैसे लूंगा, अंधी लगी हुई है। कहाँ है ये इनकम टैक्स ऑफिसर और यहाँ क्या करने आया है?
कौन है ये दोनों? ये असल में मेरी वाइफ की बेटी है और ये उसका हस्बैंड है सुखा। ये आपकी बीवी की बेटी, मतलब कि आपकी बेटी हुई ना? हाँ है तो मेरी बेटी, लेकिन ये मुझे अपना बाप नहीं मानती। अब देखो जो भी बात है वो खत्म करो, बाप के साथ नाराजगी कैसी? अरे मेरी अम्मी ने इनसे दूसरी शादी की है। तो कोई गुनाह तो नहीं किया? तो मैंने ऐसा कब कहा है? और आप जो काम करने आए वो काम करें ना। ये दोनों यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। क्यों? ये तुम्हें सुल्तान बताएगा, बताओ। अब भाई वो हमारा असल में सरजानी में बंगला तैयार हो रहा है ना। अरे नहीं, बहुत छोटा सा। बहुत छोटा सा? कितना छोटा सा? दो कमरे का, टू रूम, दो कमरे का, छोटा सा, दो कमरे का। हाँ नहीं, असल में ये कहना चाह रहा है कि इनका 1000 गज का प्लॉट है, कमरे सिर्फ दो बनाए, बाकी जगह पे इन्होंने भेड़ बकरियां वगैरह पाले हैं। अभी तो वाइल्ड लाइफ का आइडिया हो रहा था सुल्तान का, शेर का बच्चा पालूंगा कह रहा था मुझसे। हर्षमत अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे सामने तो बड़ा पैसे का रोब झाड़ते हो, अभी इनकम टैक्स वाला है उसके सामने बताओ कितना माल है तुम लोगों के पास। अरे आप तो अनाप शनाप पके जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई, आप तो फंसवाएंगे मरवाएंगे आप तो भाई। भाई सुल्तान काम क्या करते हो? अरे भाई यही छोटा मोटा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। हाँ नहीं नहीं, कैसे नफ्सी से काम ले रहे हैं, छोटा मोटा कहाँ, इनके तो शिप चलते हैं भाई, अभी तुम्हारे कंटेनर नहीं फंसे थे वहाँ पर। क्या हो गया हर्षमत अंकल, आप मुझे फंसवाएंगे क्या? हाँ भाई टैक्स भरते हो? मैं भी प्रॉपर टैक्स भरता हूँ और बाकायदा टैक्स रिटर्न्स भी हैं मेरे पास, सालाना टैक्स भरता हूँ भाई मैं। और यही लोग हैं इस घर में? आपका बेटा बेरोज तो बता रहा था कि 9 लोग हैं। हमारी बेरोज से मुलाकात हो गई। हाँ और मुझे ये बताओ कि इस घर में कमाने वाले कितने और खाने वाले कितने? हाँ वैसे अगर मुजाहिद को मिला लें तो खाने वाले 10 हैं और कमाने वाले सिर्फ 2, एक सुल्तान और एक फिरोज। लेकिन बेरोज तो कह रहा था कि 3 लोग कमाते हैं। दिमाग खराब है बेरोज का, नफ्सियाती मरीज है वो, सिर्फ 2 लोग कमाते, एक सुल्तान और एक फिरोज है बस। इन दोनों को बुलाओ, मैं अकेले में इन दोनों के साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। एक तो सुल्तान यही है, उसमें तुम जाओ फिरोज को भेजो। हाँ जाओ सुल्तान यहीं पर है, तुम जाओ। हाँ बैठो, आप बैठे बैठे। हाँ सुल्तान से तफसील से बात। हाँ भाई सुल्तान बताओ। भैया बताओ क्या करते हो? अब भाई मैंने अभी अर्ज किया ना आपसे कि मेरा छोटा सा है ये अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अरे भाई बहुत पैसे वाले आदमी है, खुल के बात करो, खुल के बात करो सुल्तान। नहीं अपना आदमी सेटिंग है, आप मेरे फंसवाएंगे क्या? हो गया खामोश हो जाए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, सब कुछ सेटिंग कर देगा ये, कर दोगे ना? हाँ हाँ सेटिंग वेटिंग हो जाएगी। और ये अपना दूसरा कब तक आएगा? पता नहीं, मेरे ख्याल में नहा रहा है। देख क्या फिरोज नहा रहा है, क्या कर रहा है? मैं देख क्या देखने जा रहे हो, बैठो। तो ये है इस घर में कमाने वाले अफराद। हाँ फिरोज अभी आता ही होगा। और फिरोज तुम्हारा तो टीवी इंटरव्यू होना था, क्या हुआ उसका? अरे नहीं पापा, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन लोगों को आम नागरिकों की राय लेनी थी। आम नागरिक मतलब? अरे आम जनता, आम लोग। फिरोज टीवी में काम करता है, ये तो कोई काम नहीं करता, इसने कहा था। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने मुझे ऐसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और वैसे मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ। अरे वाह, नौकरी ना होने के बावजूद इतने बर्गर बने घूमते हो, और इतने पैसे कहाँ से आते हैं? असल में खाने पीने में हम इसकी मदद कर देते हैं, इसका भाई है फिरोज और सुल्तान भी इसकी मदद करता है, बाकी कपड़े लत्ते वगैरह दीवारें मेहरबानी से उतार के पहन लेता है। और हशमत साहब आप कितना कमा लेते हो? मैं तो भाई सड़क पर पेट्रोल बेचकर अपना गुजारा कर लेता। और ये शहरी? शहरी से तो आप मिल ही चुके हैं, ये असल में जेरे कफालत है, इसे आप अपने साथ लगा सकते हैं, हड्डियां वड्डियां तोड़ने के काम आएगा, वसूली अच्छी कर सकता है। ये कौन है? यही तो है मेरा बड़ा बेटा फिरोज। अच्छा ये कमाता भी बड़ा होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपका सारा डेटा हमारे पास है, आपके और सुल्तान के अकाउंट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? फिरोज आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए से जायद है, और सुल्तान तुम्हारे अकाउंट से अचानक 4 लाख रुपए गायब हो गए, किस लिए? अब मैं अभी उसमें से पूछ कर आता हूँ। खबरदार आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे जवाब दीजिए, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया? जबकि बकौल आपके, आप एक मामूली सा छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। हाँ बताओ बताओ। अरे भाई वो एक छोटा सा लहरिया टाउन में प्लॉट लिया था। अच्छा सुल्तान, इसलिए जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तुमने आके फौरन माथे पे रख ली। वाह वाह वाह, सुल्तान साहब रहते हो आप अपने ससुराल में हो, और छोटा सा कारोबार करते हो, सरजानी टाउन में बंगला और लहरिया टाउन में तुमने प्लॉट ले लिया, कैसे? सुल्तान साहब तब तक आप इसका जवाब सोचें, मैं फिरोज के साथ कुछ बातचीत कर लेता हूँ। हाँ तो फिरोज साहब आप बताएं कि आपने इतनी सेविंग क्यों कर रखी है? बताओ बताओ। क्या मतलब सेविंग? मैंने कोई सेविंग नहीं कर रखी है, आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। अरे यहाँ तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तो इतना शाहाना तर्ज जिंदगी क्यों रखा हुआ है? अपने अखराजात वगैरह कम कर लो। हाँ हाँ अखराजात? अरे यहाँ तो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से हम लोग महरूम है, मतलब सुई से लेकर जहाज तक हर चीज पर तो टैक्स दे रहे, बिजली पर, पानी पर, टीवी, और टीवी वो वाला टीवी सरकारी जो हम देखते भी नहीं उस पर टैक्स, और दवाइयां 200 गुना महंगी हो गई है, मतलब मरीज सेहतियाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा, हर चीज पे टैक्स है, सब्जियों पे टैक्स लगा दिया, टमाटर, आलू, प्याज, गोभी, मटर, कुछ भी लेना चाहो उसकी कीमत
कीमत बढ़ी रही है, कहते पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए सब्जियां महंगी हो गई। बताओ पेट्रोल के ऊपर भी 30% टैक्स है और टिकटॉक बंद कर दिया, नौजवानों की रोजगार को लात मार दिया। यार बताओ ऐसा होता है क्या? ये तो बहुत अच्छा किया बंद करके। अरे इसको तो छोड़ो, यहाँ गुटखा छालिया इतना महंगा कर दिया, आपकी सोच है सारे दिन में एक ही पुड़िया खा रहा हूँ मैं। अरे ये तो गैर कानूनी है। अबे तो गैर कानूनी है तो बंद करो, बच्चे खरीदेंगे उस पे टैक्स लगा दोगे क्या? पापा मैं बताता हूँ, कल मैं बेबी के लिए साबुन और मस्कारा लेने गया, वो तो मेरे से पहले ही टैक्स काट लिया। मैंने पेमेंट बाद में की, पहले लिखा हुआ था कि आप इतना टैक्स देते हैं उनपे। और तो और एक दर्जन अंडे की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी, 10,000 रुपए की शॉपिंग पर मनी ट्रेल देना होगी। कैसी कैसी शर्तें लगा रहे। बात अभी टैक्स पर हो रही है और अवाम टैक्स चोर है। नहीं नहीं, अवाम टैक्स चोर नहीं है, अवाम को तो पता ही नहीं उससे किस किस चीज पे टैक्स लिया जा रहा है। इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, वो तो बेचारे दिए जा रहे हैं बस। ये कैसी कैसी शर्तें लगा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे, हर आइटम पर अपना टैक्स है और अगर ज्यादा आइटम्स खरीदे तो और ज्यादा, डबल ट्रिपल, मतलब कई गुना ज्यादा मजीद टैक्स बढ़ा दिया जाता। अरे और तो और गोरखन ने कबर पर भी टैक्स लगा दिया, मतलब गरीब मर भी नहीं सकता, मतलब मरे तो मरे जाएगा। अरे भाई ये टैक्स आप लोगों की बेहतरी के लिए ही होता है। अरे क्या घट, मतलब क्या खाक बेहतरी के लिए होता है, क्या बात कर रहे हैं यार। क्या हमारे पास बिजली है? नहीं है। पानी है? नहीं है। गैस का प्रेशर है? नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, किस बात का टैक्स है, क्या बात कर रहे हैं भैया साहब। अरे भाई आप जिंदा हैं और जिंदा रहने के लिए आपको खुद को सरवाइव करना होगा और ये इकदाम तो आप लोगों को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं, वरना पुराने दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था। अरे मतलब क्या बात कर रहे हैं बाबा, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खराब करने के लिए। 10 साल पहले जो मेरी सैलरी थी आज भी उतनी ही है, जबकि महंगाई 20 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। होना तो ये चाहिए कि तनख्वाहें भी उस हिसाब से बढ़ती, मगर नहीं, कद्दू वो सबका सब वही अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। वो असल में चोर आवाम नहीं है, चोर कोई और है। ये मेरा मसला नहीं है सुल्तान और फेरोज, आप अपने अखराजात का मुझे हिसाब किताब दें वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। 5 साल की कैद और 8-8 लाख रुपए का जुर्माना। आने नहीं, ये लोग हिसाब दे देंगे, इनके पास तो हर चीज का हिसाब होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा मैं इन दोनों से फिर अकेले में कोई बात करना चाहूंगा। क्या बात करनी है, हमारे सामने कर ले। इन दोनों से बात करनी है मतलब कि इन दोनों से ही बात करनी है। ठीक है ठीक है, आप लोग वहां तशरीफ ले जाए गली में। आइए सुल्तान और फिरोज साहब। अजमत भाई इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिख दिया, बेचारा थक गया बोल बोल के यार। राइटर की आज रात को क्लास लूंगा। मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है, ये इनकम टैक्स एजेंट कहाँ से आ गया? अरे भाई मैंने तो फिरोज को साफ मना कर दिया कि अपनी असली तनख्वाह बताने की जरूरत नहीं है। भाई वैसे आप लोग जो भी कहें मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं रोज तो कमाता ही नहीं है। तो तुम लोग खाते तो हो ना, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर तेज हुआ वो तो भैरों से पूछेगा कि बिना कमाए इतना खाना पीना ओढ़ना कैसे हो रहा है। बाजी आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा ना हम तभी देख लेंगे, आप ज्यादा ना सोचें। अरे तुम दोनों आपस में नहीं लड़ो, हशू है ना सब संभाल लेंगे, वो पकड़ नहीं देने वाले। अम्मा आपके हशू अपनी तो पकड़ाई नहीं देंगे, लेकिन फिरोज और सुल्तान की पकड़ाई जरूर दे देंगे। अगर आप लोग मेरे साथ ताउन करें तो मैं आप लोगों का अकाउंट क्लियर कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर मेरे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है। और 4 लाख रुपए तो है ना, और सुल्तान मुझे मालूम है तुम्हारी आमदनी का जरिया, अब सख्ती बहुत हो गई है, तुम्हारा यूं जल्दी जल्दी मुनाफा कमाना नजरों में आ गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? आप दोनों मेरी ही नहीं बल्कि हशमत साहब की भी आंखों के सामने पर्दा डाल सकते हैं, और सिर्फ 2 लाख रुपए देकर, और फिरोज तुम 1.5 लाख रुपए देकर, मैं आप दोनों के अकाउंट्स 0 कर दूंगा। मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, ऐसा ना हो कि फिरोज और सुल्तान पहचान लेके वो असली इनकम टैक्स वाला नहीं है। मेरे को तो लगता है फिरोज भाई ने उसका काम तमाम कर दिया। अरे अब मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स वाले से ना बोल के मेरी जॉब लगवा दे। कह तो दिया, अब क्या उसे इस्तीफा दिलवा कर तुम्हें लगवा दूँ उसकी जगह? गुड आइडिया अब्बा, मैं तो कहता हूँ उसको अगवा करवा लूँ। पागल हूँ क्या, वो कोई असली इनकम टैक्स वाला थोड़ी है, जाली इनकम टैक्स वाला है, तुम्हारी सेटिंग के लिए बुलाया है। क्यों
ताकि तुम्हें कारोबार करा के दे सके। फिरोज सुल्तान से पैसे मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, इसलिए मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। अरे अरे आगे आगे आइए 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 आइए। हाँ भाई, फिरोज और सुल्तान ने मनी ट्रेल दे दी है। अंडर ट्राई कैसे दे रहे थे? अबे ट्राई नहीं, ट्रेल ट्रेल बोल रहा है। ट्रेल वो पहाड़ियों पे चढ़ने वाली झूप झूप। अरे जाहिल आदमी, मनी ट्रेल का मतलब पैसों का हिसाब किताब, पैसे कहाँ से आए कहाँ गए वो बोल रहा है। और भाई ये दोनों अकाउंट्स क्लियर हैं और इनके अकाउंट्स में भी कोई रकम नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आइए आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। मैं भी चलता। नहीं नहीं, तुम इन लोगों को संभालो जरा। आइए आइए बाहर आइए जरा, उनके अकाउंट क्लियर है, हमें तो समझाओ जरा। मनी ट्रेल, ओए ओए सब भाग के जाएंगे, मनी ट्रेल, ओए ओए। ठीक से तलाशी लो मुजाहिद, देखो जरा कोई खुफिया जेब तो नहीं है इसकी। ये 3.5 लाख रुपए। ठीक से खंगाल दो, अच्छी तरह खंगालो इसे। अरे क्या अशमत भाई, इसकी जेब से तो अजीब अजीब चीजें निकल रही है। ये चिलगोजे के छिलके, पपीते के बीज, डेढ़ तोड़ को और निकले। ये मेरे रिक्शे का किराया, ये तो दे दो। वापस करो उसे रिक्शा किराया, वापस करो, जल्दी करो। और ये लो भाई तुम्हारे काम के पैसे, 500 रुपए। ये 500 रुपए? मगर मेरी तो मुजाहिद से 50,000 रुपए में बात हुई थी। तो मुजाहिद से ले लो तो 50,000 रुपए, 500 रुपए भी दे रहे हैं बहुत है तुम्हें। एक तो कैलकुलेटर लेके नहीं आए, ऊपर से टाइम पहन के नहीं आए, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, सवाल भी गलत पूछ रहा था, इसके पे तो पैसे कटेंगे ना। ये आपसे आती कर रहे हैं, वैसे सब कुछ तो मैंने की है। सारी मालूम हमने तुम्हें फराम की थी, तुमने क्या कर लिया भाई? अच्छा नहीं कर, अच्छा 10,000 रुपए तो दे दो। अरे वाह, तुम्हारी मुंह दिखाई चल रही है, निकलो यहाँ से, मैंने 600 उठा के नीचे फेंकूंगा। चलो देख लूंगा मैं सबको। लीचड़ बुड्ढा, तेरा बाप होगा लीचड़। लीचड़ बुड्ढा बोल रहा है, इसको कैसे पता? अशमत भाई मेरा कमीशन दे दो। हाँ देंगे, तुम्हारा कमीशन भी देंगे। ये लो भाई 2,500। ये क्या? ये 1,000 रुपए? हाँ कम है क्या? 500 वापस कर दो। अरे अशमत भाई कम से कम 5,000 तो दो। 5 क्यों, 10 देंगे तुम्हें। थैंक यू अशमत भाई। ये लो भाई, बोलो बोलो बोलो। 3 भाई भाई सही है, 1,000 ही सही है। मैं मार खा बगैर की बात समझ में भी तो नहीं आती ना। आओ कुछ खा के जाना, रोटी वोटी। खाना खिलाओगे? आओ आओ, थैंक यू। फेंकने के लिए रखा था, तुम्हें दे देंगे। अरे शेरी, मैंने तुमसे कितना कहा था कोई हॉरर फिल्म लेकर आओ, तुम कॉमेडी फिल्म ले आओ। बताओ जरा, भूत ऐसा देख के ऐसी निकल लिया? लो तुम इस फिल्म से डर रही हो? जो तुमने हरकत की थी ना मेरे साथ, मेरा दिल चाह रहा तुम्हें कमरे में बंद करके पूरी रात ऐसी फिल्में दिखाऊं और बाहर ताले में एल्फी डाल दूं। बताओ जरा, चाहिए औरत। बस बहुत देख ली ये फिल्म, अब क्लाइमेक्स के लिए तैयार हो जाओ। आप कौन है? चोर। चोर। अबे तो एक दफा बोल, चोर 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 कर रहा है। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना भून दूंगा। अरे जब वो बोल रहा है, बैठ नीचे, बैठ। पापा कुछ काट रहे, काट रहे, बैठ जा। हाँ मैं डांट रहा हूँ, मेरे बच्चे ना यहाँ समझ जाते। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो। शाबाश फिरोज, शाबाश, पहली बार तू टाइम पे आया है, शाबाश। अब निकाब उतार इसके मुंह से, देख तो ले ये कौन है। ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर फैयाज है। मगर तुम चोर कैसे बन गए? मैंने इनकम टैक्स पढ़ी हुई है और मैं लोगों के घर पर जाकर मालूमात वगैरह लेता हूँ, फिर उसके बाद चोरी कर लेता हूँ। मगर तुम्हारे पास तो वो कार्ड भी था। आपको चाहिए कार्ड वो? यानी तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं हो? तभी वो लोग मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे, कह रहे थे फैयाज नामा कोई धंधा ही नहीं है वहाँ पे। और इसने मुझसे भी 2 लाख रुपए लिए थे और मुझसे 1.5 लाख रुपए। तुम्हें शर्म नहीं आई शरीफों को लूटते हुए? खाला मुझे क्या बोलती हो, ये अपने घर सरबरा से पूछो। अबे चुप, हमें एक लफ्ज भी आगे नहीं जानना, खामोश खामोश। ए इसे बोलने दे पापा, बोलने दे। हां बोलो बोलो बोलो। औदा उधर मुंह करो गंदा। बोले ये हशमत ने, हशमत के कहने पर मुजाहिद ने मुझे बुलवाया था और इसने कहा था कि सुल्तान और फिरोज से को फंसाना है और इनसे पैसे निकलवाने हैं और मुझसे 50,000 रुपए की बात कर। 500 रुपए दे दे। अबे लेडी सिगार हो रहा है, बंद मत, चुप कर जाए पापा, चुप कर जाए, इसको बोल दे, बोले बोले। हशु तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? बिल्कुल कोई शर्म नहीं आई, मैंने जो कुछ किया अपने बेटे शहरी की खातिर किया। मैंने सुल्तान से और फिरोज दोनों की मिन्नतें की, थोड़े पैसे दे दो मैं अपने बच्चों को कारोबार सेट करा के दे दूं, लेकिन इन दोनों ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मेरे बच्चे की हाल लग गई इन दोनों को। मुजाहिद तुम ये बताओ तुम्हें ये आदमी मिला कहाँ से? ये मेरी दोस्त की खाला की बहन की पुप्पी का लड़का है। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? ये किसने कहा भाई? कबूतर जाया वाली फिल्म में देखा था मैंने। अरे चुप कर जाए, कबूतर जाया कबूतर, मुझे ये बता कि पैसे कहाँ है पापा? अरे 2 लाख और फिरोज के 1.5 लाख, ये मिला के हो गया 3.5 लाख, और ये 3.5 लाख रुपए मुजाहिद ने ले लिए। आपकी आंखों पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने नहीं लिए पैसे, इसी ने लिए। अगर झूठ बोलूं तो आप अंधे हो जाओ रात को। खून का भाग्य।
अरे फिरोज बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ गए थे तुम? मैं किरण को छोड़ने गया था। किरण को छोड़ने गए थे? बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था किरण के साथ इसका जोड़ ही नहीं था। उसकी शक्ल देखो, उसका जिस्म देखो, कोई थूके ना उसे। यार पापा अपनी जबान को लगाम दे वरना मैं आपकी जबान को गुद्दी से खींच लूंगा। क्या कह रहा है? बूढ़े बाप की जबान को गुद्दी से खींच लेगा? तू कह रहा है वो मरने वाला है, मतलब वो मर जाएगा किसी भी टाइम, वो खत्म हो गया। चल, इतनी बकवास उस दिन की जितनी तुम कर रहे हो।